वो सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी इट्स मी एंड वाइस एंड वेलकम बैक टू आर्यन वारी से ब्लॉग। सो आज बहुत दिनों बाद में मेरे कुछ नया वीडियो डाल रहा हूँ, 5 दिनों बाद, क्योंकि थोड़ा ब्रेक लिया था क्योंकि कुछ चेंज करना था, जिससे मैंने इसके पहले के वीडियोज में बोला है कुछ नई नई चीज़ें करनी है। सो उसके लिए मैं कुछ थोड़ा रुका था, तो नई चीज़ें स्टार्ट करने इसके लिए मैंने चलो शुरू करते। सो आज मुझे लगा कि आज से राइट टाइम है कि हम लोग नई चीज़ें के लिए शुरू करते। सो पहले तो हम लोग ने इसके पहले सबसे पहले एक चैलेंज लिया था 100 डेज का, जिसमें हम लोग 90 डेज का, आई थिंक 3 महीने का चैलेंज लिया था, मुझे याद भी नहीं है। सो उसमें हम लोग प्रॉपर मील खाने वाले थे, सब डाइट फॉलो करने वाले, सब फॉलो करने वाले थे, बट वो मेरे से नहीं हो सका, वो मेरे से चैलेंज टूट गया था। उसके बाद हम लोग ने जो चैलेंज लिया था वो था 75 डेज कंटिन्यूस ब्लॉगिंग करना। हम लोग कंटिन्यूस वीडियो डालने वाले थे, तो हर दिन हम लोग ने ब्लॉग्स डाले और उसको हम लोग ने लाइक वो मेरे लाइफ में लाइक सक्सेस थी कि मैं कंटिन्यूस ब्लॉगिंग कंटिन्यूस वीडियो डाल रहा था। सो उसके बाद में ब्रेक लेके थोड़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, तो मैंने बोला कि नई चीज़ें शुरू कर दे। सो मैंने अभी सोचा है कि मैं वीडियोज डालना थोड़ा टाइम के लिए रोक दूंगा, वीडियोज डालूंगा, ऐसे नहीं कि नहीं कंप्लीटली बंद नहीं, बट वीडियोज कम डालूंगा और अच्छा कॉन्टेंट डालूंगा, मैंने ऐसा सोचा। और कंटिन्यूस मेरे जो वीडियोस आएगी आपसे वो शॉर्ट्स में आएगी, हम लोग शॉर्ट्स में वीडियो डालने वाले हैं और वो रहेगा। मैं सोचा है कि अभी से मैं मेरे बॉडी पे थोड़ा ध्यान देता हूँ, मेरे रूटीन को चेंज करता हूँ, इसके लिए हम लोग कुछ नए चेंजेस करना चाहते थे। तो मैं आज से कल से, आज 5 तारीख और ये वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, और मैं ये वीडियो की बात मैं जो कर रहा हूँ स्टार्ट, वो 6 तारीख से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो ये सीन ये रहेगा कि हम लोग 6 तारीख से 75 डेज हार्ड चैलेंज कंटिन्यूस और जो है हम लोग वो पूरा करने वाले हैं, उसमें जिसकी हम लोग के हेल्थ के रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग को 2 टाइम 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है, एक 10 पेज की बुक पढ़नी है, कोई भी जो आपको इन्फ्लुएंस करे आगे बढ़ने के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड सेट के लिए, ऐसी कुछ बुक्स पढ़नी है, वैसी 10 पेजेस बुक्स पढ़नी, 4 लीटर पानी पीना है दिन का, ये 3 चीज हो गई। उसके बाद आपको डेली एक खुद की फोटो लेनी है कि आप 75 डेज बाद खुद को पहचानो कि पहले दिन क्या थे, उसके बाद कैसे हो चुके, इसके लिए डेली एक फोटो लेनी है। और हमारी 5वीं चीज हमारी एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। सो अभी ये सब चीज़ें फॉलो करनी है मुझे 75 डेज कंटिन्यूज में, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, कंटिन्यूज ये करना है 75 डेज में। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जिसके कारण ना मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी बोलने के भी मूड में नहीं हूँ, बट मैं कल से ये चैलेंज ले रहा हूँ। तो बस मैं आज इतना ही वीडियो में इन्फॉर्म करना चाहता था कि वीडियोस क्यों रुके हुए थे, कंटिन्यू वीडियो इसके लिए नहीं आ रहे थे, और अभी से 75 डेज चैलेंज हम लोग पूरा करेंगे, 75 डेज कंटिन्यू हेल्थ पे ध्यान देंगे, जिस वजह हम लोग को बॉडी ध्यान दी, हम लोग को चेंज करना है हमारा रूटीन, हमारा शेड्यूल, हमारे नेचर को, सब चीज़ों को चेंज करना है, सो उस पर फोकस करना है। सो आज के आज के वीडियो में इतना ही बताना चाहता था, और कल से हमारे वो वीडियोस आना चालू हो जाए, 6 तारीख का वीडियो 7 तारीख होगा, 7 तारीख का वीडियो 8 तारीख को वैसा होगा। सो कल से हम लोग वो चैलेंज लेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको 75 डेज के चैलेंज। बाय बाय, लव यू ऑल।